जानिए कैसे शाहरुख खान अपने करोड़ों की दौलत खर्च करते हैं। एसआरके का घर लोगों के सपनों का घर बन गया। दुबई के शहजादे भी उनकी रईसी के सामने छोटे पड़ गए और चांद की जमीन बिना खरीदे भी उनकी हो गई। कैसे और कैसे फिल्मों में अपनी एक्टिंग के पैसे ना लेने के बावजूद भी एसआरके 44 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। कहां से आता है एसआरके के पास इतना पैसा? मिलियंस हाउस ऑफ मन्नत। एक वक्त ऐसा भी था जब किंग खान सिर्फ एक छत के लिए अपनी बीवी गौरी खान के साथ में दर बदर भटक रहे थे और घर का किराया भी उनके दोस्तों ने दिया था। लेकिन आज एक वक्त ऐसा भी आया जब दिन रात मेहनत करके दिन के 18 से 20 घंटे काम करके उन्होंने अपने आशियाने की ख्वाहिश पूरी की और उसका नाम रखा मन्नत। मन्नत जो लगभग 26,300 स्क्वायर फुट कारपेट में फैला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि एसआरके का ये घर सेकंड हैंड है और मन्नत इस घर का दूसरा नाम है, क्योंकि इस बंगले का पहला नाम विला वियाना था, जिसके मालिक थे एक गुजराती बिजनेसमैन नरीमन डुबासा, जिनसे शाहरुख ने इस पूरे घर को 13 करोड़ रुपए देकर खरीदा था, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 200 करोड़ के आसपास है। पर ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि एसआरके ने मन्नत को पाने की मन्नत पूरी करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, तब जाकर आज उनका ये मन्नत लोगों के लिए दीदार की मन्नत बन चुका है। एसआरके के इस आलिशान बंगले की कहानी शुरू होती है सन 1997 से, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आशियाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे एसआरके की नजर इस बंगले पर पड़ी और पहली ही नजर में इसके आसपास की खूबसूरती ने उन्हें अपना दीवाना बना दिया। इस बंगले को देखने के बाद उन्होंने ठान लिया कि ये बंगला सिर्फ मेरा होगा। इस बंगले के लिए पैसे जमा करने में दिन के 18 से 20 घंटे काम करना, पैसे बचाने के लिए बस में जाना और कई बार भूखे पेट रहना भी पड़ा। अब इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वो 2001 तक काफी पैसे जमा कर चुके थे और आखिरकार 2001 में शाहरुख भाई खुर्शीद बानो संजना ट्रस्ट के जरिए इस बंगले के मालिक नरीमन दुबासा से मिले और इस बंगले को खरीदने की ख्वाहिश सामने रखी। बात पक्की हुई और 13 करोड़ देकर एसआरके ने इस बंगले को अपने नाम कर लिया और इस घर का नाम रखा मन्नत, क्योंकि ये ना सिर्फ उनका घर था बल्कि ये उनकी वो ख्वाहिश थी जो बड़ी मुश्किल से पूरी हुई थी। एसआरके के इस 6 मंजिला मन्नत के अंदर 5 शाही बेडरूम, एक बड़ी लाइब्रेरी, जिम, यहाँ तक कि पर्सनल मूवी थिएटर भी है, जहाँ किंग खान अपनी फैमिली के साथ अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। किंग खान का ये बंगला इतना बड़ा है कि इसमें 225 लोग आराम से रह सकते हैं और इस घर का कोना कोना उनकी वाइफ गौरी खान ने बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया है, जिसमें डार्क कलर के फर्नीचर और ग्रीनरी के साथ साथ कई बेशकीमती पेंटिंग्स के साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इनके इस खूबसूरत घर में लगे इंटीरियर की कीमत आज तक रिवील नहीं की गई है। इसके अलावा किंग खान ने दोस्तों और फैमिली के साथ पार्टी टाइम एंजॉय करने के लिए अलीबाग में 25,278.21 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक स्पेशल फॉर्म हाउस भी खरीदा हुआ है, जिसकी कीमत 14,67,00,000 रुपए है। शाहरुख गौरी लव नेस्ट। लोग अपने घर में अपनी यादों को सजाते हैं, लेकिन अपने किंग खान ने अपनी यादों का पूरा एक बंगला ही बना डाला, जहां वो नहीं बल्कि उनकी यादें रहती हैं। उनका ये यादों का आलिशान घर बना है उनके पुराने शहर दिल्ली के पंचशील पार्क में, जिसे गौरी खान ने बड़े ही एक्सपेंसिव इंटीरियर से सजाया है। और इस घर में उनकी लव लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और परिवार के साथ बिताए हुए कुछ खास लम्हों की तस्वीरें बड़ी ही खूबसूरती से लगाई गई हैं। किंग खान की इस यादों के घर का नाम है शाहरुख गौरी लव नेस्ट। शाहरुख के इस आलिशान घर की कीमत करोड़ों में बताई गई है, लेकिन अब तक इसकी कुल कीमत किसी को नहीं पता।
इस घर का शाही लिविंग रूम यहाँ का सबसे खूबसूरत एरिया है, जिसमें लगा झूमर और खूबसूरत दीवारें यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। इस लिविंग रूम में गौरी खान ने एक वॉल ऑफ फेम बनाया हुआ है, जिस पर परिवार के एक एक सदस्य की फेवरेट चीजों और हॉबीज को फ्रेम करके दीवारों पर सजाया गया है। इसका मतलब, अगर इस घर को एसआरके की लाइफ का म्यूजियम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ एसआरके की फैमिली के ठहरने के लिए आलीशान बेडरूम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बाथरूम, किचन और घर के चारों तरफ गार्डन भी है। जन्नत दुबई। एसआरके ना सिर्फ इंडिया के बल्कि दुबई के रईसों में भी गिने जाते हैं, और यहाँ का पाम जुमेरा एरिया, जहां पर लेना बड़े बड़े सेलेब्स का सपना होता है, वो एसआरके के पास 14,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक आलिशान आइलैंड रूम है, जिसका नाम है जन्नत। एसआरके की इस घर की कीमत 24 करोड़ के आसपास है, जिसमें खूबसूरत बेडरूम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बाथरूम और किचन के अलावा बड़ा सा स्विमिंग पूल, बीच एरिया और दो रिमोट कंट्रोल गैराज भी हैं, जहां एसआरके अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। पार्क लेन, लंदन। एसआरके का लंदन में बना आलीशान बंगला, जिसे उन्होंने खुद 2009 में खरीदा था, उनके घर की कीमत लगभग 172 करोड़ है, और मन्नत की तरह उनका ये घर भी काफी आलीशान और लग्जूरियस है, जिसमें एक खूबसूरत बेडरूम, किचन, बारबेक्यू एरिया, लाइब्रेरी और पर्सनल थिएटर रूम भी है। और मन्नत की तरह यहाँ पर भी एसआरके के दीवानों का तांता लगा रहता है। चांद पर घर। अपने किंग खान के पास चांद पर भी प्रॉपर्टी है, वो भी फोकट की। पर वो कैसे भाई? तो भाई, ऑस्ट्रेलिया में उनकी एक ऐसी फैन भी है जो हर साल एसआरके के बर्थडे पर चांद पर जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदती है, और हर साल किंग खान के पास लूनर रिपब्लिक सोसाइटी से एक सर्टिफिकेट आता है, जिसमें शाहरुख खान के नाम पर जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है। एसआरके बताते हैं कि वो मेल के जरिए अपनी इस फैन से कनेक्शन में बने हुए हैं और कई बार उनसे मिल भी चुके हैं। वैनिटी वैन। अब जरा इस विशाल काय बस को तो देखो, ये है अपने एसआरके की लग्जूरियस वैनिटी वैन, जो दिखने में बाहर से जितनी विशाल है उससे कहीं ज्यादा लग्जूरियस भी है अंदर से। एसआरके की इस वैनिटी वैन में वो सारी सुविधाएं हैं जो उन्हें कंफर्ट जोन देती हैं। वैसे लिविंग रूम, मेकअप रूम, मिनी थिएटर, वार्म वाटर बाथ, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एक छोटा सा किचन भी है, जहां इस वैनिटी वैन की कीमत है 3.5 करोड़, जो हमेशा एसआरके के साथ रहती है। घर के अलावा किंग खान को गाड़ियों का भी काफी शौक है, और इसीलिए उनके पास 4 या 5 नहीं बल्कि 10 से 12 कार हैं, जिनमें दुनिया की सबसे महंगी क्लास में से एक बुगाटी वेरॉन भी शामिल है, जिसकी कीमत 13 करोड़ के आसपास है। साथ ही उनके पास BMW i8, BMW 6 सीरीज, BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप है, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT जैसी कई कार्स हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ से 8 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंसिवनेस गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन। अब सिर्फ एसआरके ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के भी शौक बड़े ही निराले हैं। ये प्राइवेट ट्री हाउस एसआरके ने अपने लाडले बेटे अब्राहम के बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट किया था। ये 8 साल का अब्राहम अपना प्राइवेट टाइम यहाँ पे बिता सके, और ये ऐसी किसी शॉप से नहीं आया था बल्कि इसको फिल्मों का सेट डिजाइन करने वाले बॉलीवुड के बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सारे ने बनाया है। अब कॉस्ट की बात की जाए तो वो सामने नहीं आई, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी कीमत 2000 से 20,000 तक मिल जाएगी, और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के बेस्ट डिजाइनर ने बनाया है तो इसकी कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा 2009 में एसआरके ने
अपने बेटे और बेटी आर्यन और सुहाना को ऑडी A6 कार दी, जिनकी कीमत लगभग 57 लाख से 61,70,000 के बीच में है। और हर बर्थडे पर पापा एसआर के अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दुकानों के छोटे मोटे तोहफे देते रहते हैं। चैरिटी और ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में, बल्कि एसआर के अपने करोड़ों की दौलत से थोड़ा बहुत हिस्सा दान पुण्य में भी लगाते रहते हैं। और पेंडेमिक के इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपनी चैरिटी फाउंडेशन मीर फाउंडेशन के जरिए महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स के लिए 50,000 के साथ ही, आपको बता दें, एक और फाउंडेशन को ज्वाइन करके 5,500 गरीब परिवारों को राशन बांटा। साथ ही एसआर के और उनकी वाइफ गौरी खान ने बैंड्रा में बने अपने 4 मंजिला ऑफिस स्पेस को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी को दे दिया। और ऐसे ही कई संस्थानों में वो पीएम फंड के जरिए दान करते रहते हैं। अब ये तो थे एसआरके के शौक और खर्चे, लेकिन अब जरा इनकी जेब में भी झांक लेते हैं कि आखिरकार इनके पास इतना रोकड़ा आता किधर से है। क्योंकि एक्टिंग से तो वो बिल्कुल भी नहीं कमाते और ना ही उन्हें कोई देता है। इसके बाद भी दुनिया के सेकंड सबसे अमीर एक्टर ये कैसे बन गए? तो दोस्तों, अब एक्टिंग के पैसे लें या ना लें, लेकिन अपने किंग खान एंडोर्समेंट और प्रमोशन से भर भर के नोट छापते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्मों की। मूवीज में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके किंग खान फिल्मों में काम करने के लिए पूरे 50 से 55 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और ये चार्ज उनकी शूटिंग का नहीं, बल्कि फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लेने का और एंडोर्समेंट करने का होता है। लेकिन उनकी रीसेंट आई फिल्म पठान के लिए उन्होंने पूरे 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। मतलब अगर एक्टिंग के पैसे लेते तो फिल्म वालों के पास बाकी कास्ट को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन इसके अलावा एसआरके टीवी शोज के सिर्फ एक एपिसोड का पूरे 2.5 से 3 करोड़ के आसपास चार्ज करते हैं। एसआरके 2008 में आए उनके क्रिएटिव शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और जोर का झटका लगा के लिए 2.5 करोड़ रुपए पर एपिसोड चार्ज करते थे। साथ ही एसआरके कई शादियां भी अटेंड करते हैं, जिसमें सिर्फ दर्शन देने के लिए वो 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अगर थोड़े बहुत ठुमके लगा दिए तो 7 से 8 करोड़ रुपए। और हर साल वो कम से कम 10 शादियां तो अटेंड करते ही हैं। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता किंग खान का। और इसके अलावा उनके पास खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस, जिससे हर साल वो 500 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई तो कर ही लेते हैं। साथ ही एसआर के मैक्सिकन एंटरटेनमेंट टीम किड्जानिया के 26% के शेयर ओनर और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के 55% शेयर के स्टेक होल्डर हैं, जिससे वो हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब अगर एड्स की बात करें तो एसआर के पूरे 40 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें ICICI बैंक, बायजूस, बिग बास्केट, जैगुआर, लक्स और हुंडई जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। ब्रांड्स की शूटिंग के लिए किंग खान एक दिन का 3 से 4 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और इन्हीं सब की बदौलत आज वो दुनिया के सेकंड सबसे अमीर एक्टर बने बैठे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए।